नगर निगम प्रशासन की लापरवाही के चलते 10 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई। मानसरोवर के सेक्टर 42 स्थित पार्क में हाइमास लाइट के खुले तारों की वजह से खेलते समय बच्चा करंट की चपेट में आ गया था। बच्चे की मृत्यु के मामले को लेकर सांगानेर विधायक अशोक लाहौटी और बीजेपी पार्षद ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय पहुंचे, जहां लाहौटी ने कार्यवाहक मेयर शील धाबाई और आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव को ज्ञापन सौंपकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई। इधर आयुक्त यज्ञमित्र सिंह ने कहा कि घटना की प्राथमिक जांच शुरू कर दी गई है, जिस भी अधिकारी और कर्मचारी की लापरवाही सामने आएगी उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। प्रकार से ये घटना हुई है, मैं समझता हूँ कि ये पूरे प्रशासनिक सिस्टम पर, पूरे नगर निगम पर, इनके अधिकारियों पर, सबको एक बहुत बड़ा कलंक है। इस प्रकार से एक बच्चे की जान चले जाना करंट से, और जयपुर महानगर में, राजधानी में, सबके लिए शर्मनाक स्थिति है। आज उस जगह की जानकारी जो मैंने भी ली है पूरी, वहाँ के स्थानीय लोगों ने, वहाँ के पार्षद ने, वहाँ के LI को, वहाँ के जो AN है उनको, सबको व्यक्तिगत रूप से और जगह दिखाकर इसकी जानकारी दी। उसके बावजूद भी वहां पर फोन उठाने बंद कर दिए गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जिस प्रकार से बच्चे को करंट आया, मैंने भी आज यहां पर ज्ञापन देकर कहा है, 3 मुख्य रूप से हमने मांगे रखी है। नंबर 1, वहां के LI और जो AN है उनको सस्पेंड किया जाए। दूसरा, इन सभी पार्कों में जो ये सारी चीजें हैं इनको ठीक करवाया जाए, संबंधित फर्म की जो लापरवाही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, चाहे नगर निगम दे, चाहे जिला प्रशासन दे, राज्य सरकार दे। दुर्घटना हुई है, मैं अंतह मन से हिल गई हूँ। इतना मुझे आघात लगा है, एक महिला होने के नाते या निगम के मुखिया होने के नाते मैं बहुत विचलित हूँ। सुबह से ही हम लोग, कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई थी, हम लोग इसमें जांच करने में लग गए, कमिश्नर साहब कर रहे थे, लाहौटी जी का भी फोन आया, इन्होंने आने के लिए कहा, मैंने कहा आप बिल्कुल आइए, ये चुप बैठने का टाइम नहीं है, हमें जयपुर के जनता को एक मैसेज देना है। एक दुख की घड़ी में हम पूरा नगर निगम, क्या पूरा जयपुर उनके साथ है। इन्होंने, आदरणीय विधायक जी ने जो मांगे रखी है वो हमने सभी स्वीकार कर लिए। इसके संबंध में हमने प्राथमिक जांच सुबह 6 बजे, जैसे मुझे पता चला, हमने तत्काल जांच इसकी आरंभ कर दी, और हम ये कोशिश में है कि इस प्रकार की कोई भी घटना यदि निगम के कर्मचारी की गलती से हुई है, किसी कंपनी के कर्मचारी की गलती से हुई है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।